शिमला के ठियोग में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंची कांग्रेस की राज्य प्रभारी रंजनी पाटिल का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह सुक्खू, पूर्व मंत्री व कांग्रेस की वरिष्ठ नेता विद्या स्टोक्स भी शामिल रही। सम्मेलन के दौरान लोकसभा चुनावों को लेकर विस्तृत चर्चा भी की गई। सम्मेलन में पहुंचने से पहले और सम्मेलन में वीरभद्र के पक्ष में समर्थकों द्वारा जोरदार नारेबाजी की गई। कुछ अन्य नेताओं ने भी इस मौके पर नारेबाजी की। सम्मेलन में साफ देखने को मिला कि कांग्रेस के बीच गुटबाजी काफी ज्यादा हो चुकी है। वीरभद्र सिंह के पहली बार रंजनी पाटिल के साथ कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं में जोश भी देखने को मिला। इस मौके पर कुसुमटी के विधायक अनिरुद्ध सिंह ने रंजनी पाटिल के सामने खुलकर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ने की मांग की और उन्हें चुनावों की कमान देने की बात भी कही। रंजनी पाटिल और आलाकमान से वीरभद्र की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव लड़ने की वकालत जोरों से पकड़ती गई। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हिमाचल में केवल वीरभद्र सिंह ऐसे इकलौते नेता हैं जो प्रदेश के चारों सीटें जितवा सकते हैं। मेरे को नारों से मतलब नहीं है, मेरे को बोल से मतलब है कि नामांकन जो है कुसुमटी विधानसभा क्षेत्र आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में देती है उससे मुझे मतलब है। और इसी के लिए हमने कल जो है अपनी ब्लॉक की मीटिंग रखी है जिसमें हमने आपको सादर आमंत्रित किया है कि आप संगठन की शक्ति से हम लोग खड़े होंगे। वही रामपुर बुशहर के विधायक नंदलाल ने भी अनिरुद्ध की बात का समर्थन करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़ने की वकालत की। नंदलाल ने चुनाव में जाने के लिए दमदार चेहरा होना चाहिए और वीरभद्र सिंह से बेहतर इस वक्त कोई नहीं हो सकता। तो मेरा प्यार आपसे ये कहना है कि आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा भी बहुत ही से बड़ी का प्रेस निकाल जा रहा है। आपको इस आधार पर लोगों में जाएगी और इस देश का पैर उठाएंगे। एक बात, दूसरी बात, जहां पे संगठन की बात कर रही है, संगठन को हम कहते हैं कि ठीक है और चर्चा है, हर तरह से हमारा इम्प्रूव कर रहा है, मगर आज जरूरत है कि हम लोगों को आज जरूरत है संगठन को और देखिए आपका भी परफेक्ट नहीं हो सकते, फुल इम्प्रूवमेंट के लिए चल रहा है तो संगठन है इसको और इम्प्रूव करना है। हम कहते हैं कि हम रेगुलर मीटिंग करते हैं, मंथली मीटिंग कर सकते हैं, कॉफ करते हैं और भी चीजें, मगर बहुत जरूरी जो मीटिंग है अभी मैं दावत से कर सकता हूं हिमाचल के कितने ब्लॉक ऐसे होंगे इससे बहुत मीटिंग नहीं बनेगी और बिना गुरु की बेटी के आप मुझे नहीं कर सकते। हम लोग सब लोग स्टार बाजार के प्रधान है, पंचायत समिति के लोग है, जिला परिषद के लोग है, एमएलए साहब है, वैसे कैंडिडेट है, सब दूर दूर के लोग होते हैं। अगर कोई फाइट करने के ग्राउंड पर आदमी खड़ा है वो आपका गुरु की बेटी का इंचार्ज होगा। इसलिए मैं आप सब से आग्रह है कि आप सब लोग अपने अपने ग्राउंड में। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के सांसद पर जमकर हमले बोले। उन्होंने कहा कि शिमला के सांसद जवाब दें कि उन्होंने बागवानों की आवाज संसद में क्यों नहीं उठाई, बागवान किसानों को जमीन से बेदखल किया जा रहा है, इस पर भाजपा क्यों चुप बैठी है और भाजपा सरकार जनता के साथ धोखा कर रही है। वहीं उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार के बनने के बाद 65 मामले लड़कियों के छेड़छाड़ के सामने आ चुके हैं और अब तक प्रदेश में लगभग 35 हत्याएं भी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सचिवालय में कई मंत्री खुद को मुख्यमंत्री ही समझ बैठे हैं। नदी हमने बहाई
और हमारा कोई ऐसा दफ्तर नहीं है जो जिसने मांगा उसको दिया ना हो। एसडीएम हेडक्वार्टर है, एसएम ऑफिस है, बड़े बड़े ऑफिस खोल दिए, ठोक में ही दो खोल दिए और सोलन में खोल दिया। ठोक में आपके दो मैडम आईपीएच की मिनिस्टर, इन्होंने आईपीएच का मेरे नदौन में काफी बड़ा था, मैं इन्होंने कहा पहले मैंने मतियाना में लेना है, मतियाना वालों को आईपीएच का एक्सएम ऑफिस दिया। इतना विकास, और राहुल गांधी जी ने मंडी रैली में आकर कहा माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी इस चुनाव का नेतृत्व करेंगे, पार्टी साथ थी, सारी जगह हमने कार्य किए, हर एक कार्यकर्ता को हमने चंबा से लेकर कोई ऐसी सड़क नहीं है जहां हमने कार्य ना किया हो। वहीं अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी भाजपा से नहीं हारी बल्कि पार्टी बेवकूफियों की वजह से हारी है, सही लोगों को टिकट नहीं दिया गया इसलिए कांग्रेस पार्टी हारी है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जीतना है तो जीतने वाले नेता को ही टिकट देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करके विरोध जताना वीरता नहीं बल्कि कायरता है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ऐसा ही कर रहे हैं, सड़कों पर विरोध करने की बजाय डर कर कांग्रेस कार्यालय के बाहर धरने देना कोई बहादुरी नहीं है। उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी कई मामलों में घेरा। वो जनसभाओं में नहीं पहुंच रहे, कार्यक्रमों में नहीं पहुंच रहे, लेकिन आप आ जाए तो इसका मतलब क्या माने? मगर अभी सारे प्रदेश में मैंने पुनः दौरा शुरू नहीं किया है, हम करेंगे इलेक्शन के लिए काफी टाइम है। पीसी से कि वीरभद्र सिंह जी जो है वो मार्गदर्शक होंगे, क्या हमारी पोजिशन वही होगी जो कि भाजपा में जो है अडवाणी जी की है और मुरली मनोहर जोशी की है, कहने वालों का ये मकसद है। आपकी बात हम भाजपा की वजह से नहीं आ रहे हैं, सही बात है। शुरू में कांग्रेस पार्टी जो है हम अहिंसा में विश्वास कर रहे हैं, होना चाहिए हिंसा के लिए कोई साथ नहीं है, मगर हिंदू की तुमने मैं देखता हूँ, देखने घोषणा नहीं है।